हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिज़्ज़ा तो आप और हम कई बार बनाते और खाते हैं, लेकिन आज इसे हम कुछ ऐसा ट्विस्ट देने वाले हैं, कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और बच्चे इसे बहुत आसानी से खा पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, पिज़्ज़ा बच्चे खाते कम हैं और कपड़ों को ज़्यादा खिलाते हैं, तो आज हम ऐसा पिज़्ज़ा बनाएंगे कि जो बहुत ही आसानी से बच्चे इसे उठा करके खा सकते हैं। आज मैंने इसे पिज़्ज़ा बन नाम दिया है, आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये टेस्टी डिलीशियस पिज़्ज़ा बन हम ओवन में और कुकर में दोनों में ही बड़ी आसानी से बनाएंगे। आज पिज़्ज़ा बन बनाने के लिए यहाँ एक कप मैंने गुनगुना दूध लिया है और इसमें 2 चम्मच शक्कर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम चेक करेंगे, दूध हमारा उंगलियों को सहन करना चाहिए, इतना ही गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। अब इसमें 1.5 टीस्पून मैं ईस्ट डाल दे रही हूँ, ये ड्राई ईस्ट है। अब इसे हम मिक्स करके करीब 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाएगा, तब तक हम अपने आटे को तैयार कर लेते हैं। यहाँ 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। अब इसमें 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर मिला लिया है। मिल्क पाउडर से ब्रेड का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल लेंगे और ब्रेड को खूब अच्छा फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर 1 टीस्पून भर करके मैंने पिज़्ज़ा हर्ब्स डाल लिया है। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे गार्लिक डाल दिया है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई गार्लिक है, आप चाहें तो ड्राई गार्लिक जो गार्लिक पाउडर आता है उसे भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स को डाल करके मिला लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक हमारी ईस्ट भी अच्छे से एक्टिव हो गई होगी। देखिए, हमारी ईस्ट एक्टिव हो चुकी है। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल करके एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद अगर हमें लगेगा तो ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा दूध और डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। अब दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डो हमारा लग तो गया है लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा और दूध डाल करके इसे थोड़ा सा ढीला गूंथ करके तैयार कर लूँगी। ब्रेड के लिए हमेशा डो जो हम लगाते हैं वो थोड़ा गीला होता है और इसे इस तरह से मसलते हुए अच्छे से गूंथते हैं कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो हाथों में नहीं चिपकता। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल मिला लिया है। आप यहाँ तेल की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे तेल को मिक्स किया है। अब अच्छे से इसको इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से गूँथ लेंगे हम, और तब तक गूँथेंगे कि जब तक ये एकदम चिकना और अच्छा डो बन करके ना तैयार हो जाए। देखिए, इस तरह से हम एक प्लेन सरफेस पे इसको लेंगे और अपने दोनों हाथों से ऐसे आगे पीछे करके इसको इस तरह मसलेंगे तो ये एकदम अच्छा डो बन करके तैयार हो जाएगा। थोड़ी ही देर में देखिए, ये हमारा डो इस तरह से एकदम चिकना डो बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से टेस्ट करेंगे। डो का थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे और उसे खींचेंगे और इसके बीच में देखिए, इस तरह से ये लेयर जो है ये टूटती नहीं, इसका मतलब हमारा डो बहुत ही अच्छे से लग करके तैयार हुआ है। जब तक ये लेयर जो है वो अगर टूट जाती है बीच से तो थोड़ा हमें और इसे मसलना चाहिए, तब हमारा जाके ब्रेड बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। अब इसे हम इस तरह से गोल फोल्ड करके और उसी ही बाउल में थोड़ा सा तेल लगा करके और इसे करीब 1 से 1.5 घंटे हम एक्टिव होने के लिए रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे ये रेस्ट करेगा तो खूब अच्छे से ये फूल जाएगा। अब इसे हम ढक करके रख देंगे। देखिए, ठंडियों का मौसम है तो इसे फर्मेंट होने में थोड़ा समय लगता है, तो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम गार्लिक बटर बना करके तैयार कर लेंगे। गार्लिक बटर के लिए यहाँ पर मैंने
3 चम्मच के करीब मेल्टेड बटर लिया है और 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई गार्लिक को मिला लिया है। आप चाहें तो यहाँ गार्लिक पाउडर भी मिला सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स मिलाया है, 1 टीस्पून ऑर्गेनो और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा हब्स को भी मिला लिया है। अब इन्हें खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करके साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ है सब्जियों को भी मैंने ले लिया है। ये मकई के दाने हैं जिन्हें मैंने निकाल लिया है। धनिया को भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने, करीब 1.5 चम्मच धनिया है। और यहाँ पे बेबी कॉर्न को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी प्याज है, इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग काट करके मैंने रखा है। और 1 कैप्सिकम जिन्हें पतला पतला और लंबा लंबा काट लिया है। अब ये सारी सब्जियाँ हमारी तैयार हैं और गार्लिक बटर भी तैयार है। हम अपने डो को देखते हैं, वो भी फूल चुका होगा। करीब 1.25 घंटे बाद हमारा डो इस तरह से फूल गया है। इसे एक बार फिर से हम पंच करेंगे और इसकी हवा सब निकल जाएगी। इसके बाद इसे फिर से अच्छे से 2 मिनट नीक कर लेंगे और प्लेन सरफेस पे लेकर इसको थोड़ा सा और मस लेंगे। इसके बाद इसे हम गोल यूं ही हाथों से फैलाते हुए और इसमें समान रूप से 6 टुकड़े कर लेंगे। देखिए, अब मैंने इसे इस तरह से इकट्ठा कर लिया है और इसे अपने हाथों की मदद से ही इस तरह से फैला दूंगी। और अब चाकू से इसके समान रूप से 6 टुकड़े करके मैं तैयार कर ले रही हूँ। आप चाहे तो 4 या 5 भी इसके टुकड़े करके बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का इसे 6 टुकड़ों में बना रही हूँ। अब इस तरह से आटे को हम फोल्ड करते हुए, देखिए नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए और गोल गोल लोई इसकी बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब हम अपने एक एक लोई को उठाएंगे, एक एक बन को हम बनाना शुरू करते हैं। अब हाथों से ही इसे इस तरह से हम फैलाएंगे। देखिए, मीडियम साइज़ का इसे हमने इसे फैला दिया है। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, उसके बाद हम इस पर गार्लिक बटर लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब हम गार्लिक बटर लगाएंगे और इसके बाद सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा हम रखते जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे स्वीट कॉर्न डाला है मैंने, थोड़ा सा फैला करके डाल देंगे हम इसे। फिर थोड़ा सा कैप्सिकम डाला है मैंने, फिर प्याज का नीचे और ऊपर दोनों का है, दोनों हिस्सा थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने बेबी कॉर्न जो था पतला छोटा छोटा काटा था मैंने उसे भी डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया। अब ऊपर से थोड़ा सा पिज़्ज़ा हब छिड़क देंगे हम। और इसके बाद मैंने प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके डाला है और थोड़ा सा मोजरेला चीज़। अब चीज़ यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत कम चीज़ का यूज़ किया है, बहुत कम थोड़ा थोड़ा चीज़ डाला है मैंने। अब इसे चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए हम सील करेंगे बीच में ले जाके। देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छे से पैक कर देंगे। ये बहुत ही अच्छे से हमारा सील हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसे कुकर में और ओवन में दोनों में बनाने वाली हूँ, तो अब इसे मैं ओवन में सेट कर दूँगी। एक एक उठाकर इस तरह से हम इसमें हमारा एक थाली में 3 बन आ जाए इस तरह से रखूँगी। और दूसरा जो ये वाला है इसको मैं इडली के कुकर में रखूँगी। अब पूरे 6 बन हमारे बन चुके हैं। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा गार्लिक बटर को लगा करके रेडी कर देंगे। गार्लिक बटर लगाने से ब्रेड हमारे ऊपर की अच्छी और क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएगी। तो सभी बन पे मैंने गार्लिक बटर भी लगा दिए हैं। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करने के लिए कटी हुई धनिया और थोड़ा हरा वाला प्याज का ऊपर वाला हिस्सा उसको डाल देंगे। और इस पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा हब्स और थोड़ी चिली फ्लेक्स भी ऊपर से हम डाल करके छिड़क देंगे। अब इन्हें करीब 10 मिनट तक हम
गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे। गीले कपड़े से ढक करके रखने से ये सूखेंगे नहीं। इन्हें करीब 10 मिनट तक हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट बाद इन्हें निकाल करके एक को हम मैं इडली स्टीमर में रख दूंगी, वह उसमें बेक करूंगी, और दूसरे को मैं माइक्रोवेव में रखूंगी। देखिए मैंने इडली का स्टीमर पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें मैंने रख दिया है इसको, और दूसरे को मैंने माइक्रोवेव में डाला है 180 डिग्री सेल्सियस पे करीब 20 मिनट के लिए। इसे मैंने बेक कर लिया है और गैस को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा था, और नीचे मैंने कुकर में कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है। देखिए 20 मिनट में हमारे बन अच्छे से बेक हो कर के तैयार हो चुके हैं। 20 मिनट में हमारे दोनों ही पिज़्ज़ा बन बन करके तैयार हुए हैं, और बहुत ही अच्छे एकदम स्वादिष्ट पिज़्ज़ा बन बन करके तैयार हुए हैं। ये देखने में तो अच्छे दिख ही रहे हैं, स्वादिष्ट इतने हैं कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप बार बार इसे ही बना करके खाना चाहेंगे। देखिए एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इसमें मैंने कम चीज़ डाला था फिर भी इतना चीज़ी और डिलीशियस पिज़्ज़ा बन बन करके तैयार हुआ है। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।